हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मैं हूं सौरभ शाह और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक और कॉम्पोजिशन वीडियो। और ये वाली जो कॉम्पोजिशन वीडियो होगी इसको मैं बनाऊंगा वाटर कलर में। तो इस कॉम्पोजिशन वीडियो के लिए मैंने टॉपिक चूज किया है एक सनसेट का सीन होगा या फिर सनराइज का सीन होगा, जहाँ पर हमें इसमें एक सीन दिखाना है जिसमें हम वाटर के ऊपर बोट लेके जा रहे हैं कुछ मछुआरे। तो एक सनसेट का सीन जिसमें कुछ फिगर्स हम इसमें ऐड करेंगे और एक डायनामिक सीन है ये, और इसमें हमने अच्छे से बोट के पर्सपेक्टिव का भी यूज किया है। तो इस सीन का हमें हमारा पर्पस है अच्छे से कलर को समझना, अच्छे से वाटर कलर के टेक्निक को समझना और फिगर में उसको अप्लाई करना है और एक सीनरी में भी उसको अप्लाई करना। तो इस फिगर के जरिए और इस कंपोजिशन के जरिए हम ये सब बनाने की ट्राई करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने स्केच पहले से ही बना के रखा है, क्योंकि स्केच बनाना उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा मुझे लगता है, और उसमें हम टाइम वेस्ट किए बिना हम पहले ही अब वो सब रेडी कर चुके हैं और मेन जो हमारा वाटर कलर है उसमें हम आएंगे। तो उसके पहले मैं आपको मटेरियल सब बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया है एक हैंडमेड पेपर जिसको मैंने एक बोर्ड से लगा लिया है ताकि मैं इसको अच्छे से मूव कर पाऊँ। आप कोई भी स्केचबुक या नॉर्मल पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ताकि मैं अच्छे से दिखा पाऊँ कलर फ्लो बाकी सब कुछ को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हैंडमेड पेपर लिया है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है कलर में, हैंडमेड पेपर में थोड़ा अच्छे से कलर फैलता है, लेकिन फिर भी अगर आप टेक्निक्स अच्छे से यूज करें तो उतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो वाटर कलर को अच्छे से बनाने में होना चाहिए। तो उसके बाद बाकी मटेरियल्स पे आते हैं, तो उसके बाद ब्रशेस पे आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए काफी सारे ब्रशेस हैं मेरे पास डिफरेंट। तो यहाँ पर जो ये वाले ब्रशेस आप देख रहे होंगे ये स्क्वायरल हेयर ब्रशेस है, जो कि राउंडेड ब्रशेस हम यूज करेंगे अपने पेंटिंग के लिए। तो ये ब्रशेस काफी ज्यादा पानी होल्ड करते हैं, तो इससे हम वाटर कलर काफी अच्छे से फैला सकते हैं, इसलिए मैं इसका यूज करूंगा। साथ ही साथ ये वाला सिंथेटिक ब्रश किसी एरियाज में हमें डिटेलिंग के लिए यूज होगा। कुछ छोटे डिटेलिंग ब्रशेस भी है मेरे पास, तो इन नॉर्मल ब्रशेस का हम यूज करेंगे। काफी सारे ब्रशेस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन हम बस कुछ ब्रशेस का ही यूज करेंगे, लेकिन रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बाय चांस अगर लगे तो ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद ये दो बड़े ब्रशेस भी है मेरे पास जो कि हम बड़े वॉशेस देने में यूज करेंगे। ये सिंथेटिक है, थोड़ा अच्छा ही पानी होल्ड करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करते। मुझे नेचुरल हेयर वाले मिले भी नहीं, और दूसरे जो सिंथेटिक काफी महंगे आते हैं, तो इसलिए मैंने यही वाले ब्रशेस का यूज करने का सोचा है। लेकिन इससे भी काम बन जाता है, लेकिन जो नेचुरल हेयर ब्रशेस होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, इसलिए मैंने इसी का यूज करने का सोचा। इसके बाद मेरे पास एक बोल ऑफ वाटर है, तो वो तो हमें लगेगा ही, थोड़ा एक बड़ा बोल लीजिए वाटर का। तो इसके बाद हम कलर दे लेते हैं। हम यहाँ पर कैमलिन के आर्टिस्ट वाटर कलर का यूज कर रहे हैं। ये जो 12 वाला सेट है इसको ही हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो कलर है आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग ही सेट का यूज करते हैं वाटर कलर के लिए। इसमें जितने कलर्स होते हैं वो मोर देन इनफ है। अगर आपको इतने कलर्स भी नहीं चाहिए तो आप कुछ चुनिंदा कलर्स भी यूज कर सकते हैं मेन, लेकिन ये सेट से ऑलमोस्ट सारे काम बन जाते हैं। तो मेरा जो पैलेट है वो ये वाला फोल्डेबल पैलेट में यूज करूंगा, क्योंकि यही मेरे पास है और ये हम बाहर कभी जाते हैं आउटडोर में तो इसके लिए काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कलर सजा के रखा है। यहाँ पर मैं एक्रेलिक करता था इसलिए ये थोड़ा सा डर्टी है, लेकिन इस साइड में मेरा वाटर कलर पूरा हो जाता है। थोड़े छोटे हैं ये बॉक्सेस, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। अगर आप चाहे तो बड़े वाले वाटर कलर के पैलेट भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास हो आप उसका यूज कीजिए, और साथ में कपड़ा रख लीजिए ताकि वाटर कलर को आपको पोंछने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो मेन सब कुछ था वो हमने आपको दिखा दिया है। तो इसके बाद अभी हम मेन ड्रॉ पाएंगे। तो यहाँ पर स्केच आप देख सकते हैं कैसे मैंने बनाया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा कि मेन मैंने किधर सेंट्रल फिगर रखा है, और ये जो बोट है ये काफी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। बोट को मैंने अच्छे एक पर्सपेक्टिव में दिखाया है, और एक अच्छा स्ट्रक्चर है, तो ये काफी डायनामिक एक अच्छा
पोजीशन है और अच्छा पेंटिंग बन सकते हैं। इसके ऊपर ये जो ऊपर का सीन है इसको हमें अच्छे से डिफरेंट ब्राइट सनसेट के कलर में कलर करना है, तो वो हम देखेंगे कि कैसे हम उसको कलर करेंगे। तो उसके साथ साथ बाकी जो ह्यूमन्स है, काफी सारे छोटे छोटे ह्यूमन्स है और बैकग्राउंड में काफी सारे शिप्स भी होंगे जो कि मैं डायरेक्ट कलर में बनाऊंगा। मैंने उतने ज्यादा डिटेल में पेंसिल में नहीं बनाया क्योंकि वाटर कलर में ज्यादा डिटेल में पेंसिल में बना के फायदा नहीं है, ज्यादातर हमको वाटर से ही बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जितना हुआ उतना मैंने रखा, बाकी हम डायरेक्ट कलर से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि वाटर कलर का जो बोर्ड है, मेरा बोर्ड से चिपकाने का ये मकसद था कि जब हम उसको पेंट करेंगे तो ये थोड़ा सा स्लैंटेड होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे, मेरे पास सेलो टेप और ये कलर है, इसको मैं ऐसे नीचे रख देता हूँ। इसके ऊपर मैं इसको ऐसे एक स्लैंटेड एंगल में, ताकि जो वाटर फ्लो हो वो हमारे लिए अच्छा एक इफेक्ट बनाए, तो इसके लिए हम इसको ऐसे यूज करेंगे। तो उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्काई ही बनाना है क्योंकि उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अपना जो ये इंच ब्रश है उसको लेंगे और हैंडमेड पेपर को पहले थोड़ा पानी से भिगाना पड़ता है, तो उसको भिगा लेंगे। काफी सारा पानी मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ भिगाने के लिए, और मेरे पास यहाँ पर एक हेयर ड्रायर भी मैंने रखा है ताकि मैं जल्दी कोई कोई काम जो होगा भीगा होगा उसको मैं सुखा पाऊँ या फिर कुछ भी कर पाऊँ। लेकिन आप हैंडमेड पेपर का नहीं यूज करना चाहते तो कोई बात नहीं, और हेयर ड्रायर का नहीं यूज करना चाहते तो उसमें भी कुछ बात नहीं, बस आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने पूरा स्काई भिगा दिया है। इन बड़े ब्रशेस का यही फायदा होता है कि काफी जल्दी हम काफी ज्यादा एरिया कवर कर पाते हैं। इसके बाद हमें सनसेट का सीन बनाना है, तो येलो काफी इम्पोर्टेंट है, तो जो हमारा सबसे ब्राइट वाला येलो होता है, जो मिडिल वाला क्रोम डी वाला येलो होता है, उसको हम लेंगे और बीच में ऐसे कर देंगे। उसके बाद आप ऐसे यहाँ पर कुछ स्ट्रोक्स भी दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑकर येलो लीजिए और इसको ऐसे इस साइड में फैला दीजिए। इसके बाद आप ये वाला जो मोटा वाला ब्रश है, ये वाला ब्रश लीजिए, इससे आप अभी अच्छे से सारे क्लाउड्स और बाकी सारे चीजें बना पाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा रेड मिक्स करेंगे हम मिक्सचर में और अपना स्काई को सारे कलर्स से भर देंगे। सनसेट का सीन है तो काफी सारे कलर्स हमें इसमें दिखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप अपने इमेजिनेशन को रन कीजिए और जितना अच्छा अच्छा आपको कलर्स आते हैं सारे एक ही में आप डालने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लो को अच्छा रखना पड़ेगा आपको, उसी का आपको ध्यान रखना है कि जो कलर का फ्लो हो वो अच्छा हो, स्मूथ हो। ऐसे आप सनरेज को ऐसे दिखा सकते हैं। ये कलर सारे काफी मिक्स हो जाएंगे थोड़े देर बाद ही, इसलिए आप थोड़े ब्राइट कलर्स का ही यूज कीजिए, शायद आपको सेकंड लेयर भी देना पड़े। इसके बाद आप एजेस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एजेस को ब्लू रखेंगे जो कि ऑलमोस्ट होते हैं वायलेट और ब्लू कलर ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर मैं अल्ट्रा मेरीन ब्लू का यूज करना प्रिफर करूंगा क्योंकि वो काफी एक वार्म और अच्छा कलर होता है। इसलिए वाटर कलर में मेन चीज होता है ट्रांसपेरेंसी और कलर फ्लो को मेंटेन करना, तो वो आप मेंटेन कीजिए तो वाटर कलर दिखने में काफी नेचुरल और अच्छा दिखेगा।
बट अभी हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम फिर से यहाँ पर आएंगे और कुछ और काम करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम इसको इतना तक ही रखते हैं। देखिए ये हैंडमेड पेपर है इसलिए पानी जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए हम इस पे अच्छे से काम कर पाएंगे थोड़ा ध्यान से और कलर को अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस के लिए कोई और पेपर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में पानी पे काम करना स्टार्ट करता हूँ। पानी पे हम दूसरे कलर्स देंगे, लेकिन सबसे पहले एक हल्का जो ऊपर में जो कलर्स है उसी के हम थोड़े बहुत वॉशेस देना चाहते हैं, ताकि हमारा जो पानी है वो थोड़ा सा नेचुरल लगे और जो स्काई का रिफ्लेक्शन है हमारे पानी में वो अच्छा हो। अपनी पेंटिंग को हम कलरफुल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जब हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो दिखने में काफी अच्छा लगे। यहाँ पर आप देखिए हैंडमेड पेपर का एक अपना टेक्सचर भी यहाँ पर बाहर आ रहा है। तो जो पेपर का आपका जैसा पेपर आपको मिले उसी के प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से यूज करके अपने पेंटिंग में उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करनी है। आप देख सकते हैं कि मैं जो बोट है या फिर किसी चीज जो भी यहाँ पर ह्यूमंस है किसी चीज का भी ध्यान ना रखे हुए पूरे पेंटिंग में डायरेक्ट मैं कलर को फैला दे रहा हूँ, क्योंकि सनसेट का सीन में टोटल ही एक येलो टिंट में होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आपने कोई और कलर वहां पर मिक्स कर दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप जैसे चाहे उस कलर को यहाँ पर मिक्स कीजिए। यहाँ पर मैं थोड़े यहाँ पर स्पेसेस छोड़ दे रहा हूँ जो वेव्स के कुछ पार्ट्स होंगे उसके लिए, नहीं तो मैं ऑलमोस्ट पूरे पेंटिंग में एक फर्स्ट वॉश देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो लैंड वाला एरिया है उस पे हम जाएंगे, वो भी काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव होती है तो उसको भी हमें काफी ज्यादा पानी के साथ बनाना है और बड़े ब्रश का यूज करके हम डायरेक्ट उसको बनाएंगे। याद रखिए दोस्तों कि ये सनसेट या फिर सनराइज का कोई सीन है, तो ऑलमोस्ट ये सनराइज का सीन है तो ये काफी डार्क होने वाला है। यहाँ पर तो हम काफी हल्के कलर्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कलर्स डार्क होते जाएंगे तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो ये वाला पार्ट हमारा फर्स्ट लेयर के लिए हो गया है। उसके बाद हम फिर से स्काई पे काम करेंगे, लेकिन अभी जो स्काई का हाल है इसमें अगर हमने कोई कलर्स ऐड किए तो वो एक स्पाइरल जैसा कुछ बना देगा और वो दिखने में काफी वाटर मार्क्स काफी बुरे लग सकते हैं, लेकिन काफी टाइम में वो काम भी आते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसलिए साइड में थोड़ा सा मैं ब्लू लेके ट्राई करूंगा और देखूंगा कि अभी ये कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर ब्लू से मैं अभी थोड़े क्लाउड्स और डार्क एरियाज को बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रात से सुबह हो रही है तो यहाँ पर जो ऊपरी पार्ट होगा वो थोड़ा सा डार्क होने वाला है। इस टाइम आप थोड़ा ज्यादा पानी का यूज ना कीजिए, एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर का यूज कीजिए तो इससे अच्छा आएगा इफेक्ट। फिर थोड़ा सा
सा रेड लेके हम यहाँ पर रेड कलर के कुछ क्लाउड्स बनाते हैं। वाटर कलर में टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम आप कौन सा कलर दे रहे हैं, तो इसका आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी इंजॉय करके आपको पेंटिंग करना है, ताकि आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो काफी टाइम प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी माइंड में प्लान लेके चलिए कि आप किस टाइप की पेंटिंग बनाना चाहते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वाटर कलर में वाटर को फ्लो करने देना पड़ता है और वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस स्टेप को आप मिस मत कीजिए, वाटर को फ्लो करने दीजिए और साथ ही साथ उसके साथ खेलिए, कलर को खुद खेलने दीजिए और आप उसके साथ अच्छे से फ्लो कीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत नेगेटिव पेंटिंग कर रहा हूँ, जो कि अपने ब्रश भीगे ब्रश से थोड़ा बहुत कलर मैं यहाँ पर उठा ले रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, एक वाइट हल्का सा एक वाइट गैप बन जाएगा और हम कलर को एक क्लाउड जैसे दिखा पाएंगे। यहाँ पर मैं जितने चाहे उतने रंगों का यूज कर रहा हूँ, मुझे काफी ब्राइट और अच्छे स्काई पसंद है, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर कलर दे रहा हूँ। आप चाहे तो सिंपल एक प्लेन स्काई भी बना सकते हैं, काफी टाइम एक पूरी तरीके से प्लेन स्काई काफी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मुझे स्काई में काफी सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो हमारे स्काई के लिए इतना काफी है शायद, तो इसको हम इतना रखते हैं। इसके बाद हम जो दूसरे एरिया से इम्पोर्टेंट उस पे जाएंगे, तो इसके बाद हम ये बोट एरिया को कलर करने लगेंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट एरिया है, ये ऑलमोस्ट सबसे मेन ऑब्जेक्ट है और इसके बाद हम फिगर में भी आएंगे, तो इस बोट को हमें कलर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोट का जो शैडो था वो भी है यहाँ पर, बोट और बोट के शैडो को हम एक साथ एक ग्रुप में करेंगे और उसी के हिसाब से हम इसको कलर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो नीचे का एरिया है उसको फिर से एक बार हेयर ड्रायर से ड्राई अप कर लेते हैं।
दोस्तों, तो इस पार्ट को भी हमें कलर करना है। ये पार्ट बिल्कुल सूख चुका है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो ब्रश है उसको लेंगे और यहाँ पर एक पानी से हल्का सा ब्लू कलर इसमें लेंगे और पानी से इसको ऐसे एक हल्का सा वॉश दे देंगे शैडो एरिया में, ताकि हमारा शैडो एरिया मार्क आउट हम कर ले ब्रश का यूज करके। ये जो बोट का आधा हिस्सा ब्लू है और आधा हिस्सा रेड है, तो उसके हिसाब से हम शैडो को भी बनाएंगे। शैडो भी हल्की ब्लूइश होने वाली है, क्योंकि शैडो यहाँ पर डार्क में ब्लूइश दिखती है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो कोबाल्ट ब्लू और पर्शियन ब्लू का यूज करके एक काफी फ्रेश ब्लू बनाएंगे और उसको ऐसे एजेस पे दे देंगे। तो ये बोट का नीचे का एरिया हुआ, ये शैडो पार्ट है बोट का, इसलिए इसको थोड़ा सा डार्क भी होना है। ब्राउन मिक्स करके हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा और ज्यादा पानी भी लेंगे और नीचे ऐसे इसके शैडो एरिया में फैला देंगे। यहाँ पर आपको जो आदमी है उसके लिए कुछ एरियाज में थोड़ी बहुत गैप रखनी पड़ेगी, कि ये वाटर कलर है तो हम थोड़ा बहुत गैप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा शैडो है जो कि बोट के साथ ही ऑलमोस्ट मिल गया है, लेकिन उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और अगर वैसे छोड़ भी दे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी टाइम एजेस ब्लेंड हो जाता हमारे ड्राइंग के साथ, तो उससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसके बाद हमें बाकी एरियाज को बनाना है। तो बोट का जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा वो रेड होगा और जो बीच में होगा वो डिफरेंट कलर होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो व्हाइट वाला पार्ट है उसमें भी कुछ कलर तो होना ही है, तो ये हल्के से मैंने ब्लू मिक्स किया और ऐसे पानी के साथ इसको बाद हमें क्या करना है, रेड लेना है। यहाँ पर मेरा रेड कलर खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर फिर से मुझे थोड़ा सा वर्मिलियन कलर चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वर्मिलियन कलर है, इसको मैं थोड़ा सा निकाल के, ज्यादा कलर का यूज कीजिए एक साथ, काफी कलर निकाल लीजिए, क्योंकि बार बार कलर निकालने से टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए उसके बाद थोड़ा सा अगर ये स्प्रेड हो रहा है नीचे की तरफ, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, ये वाटर कलर में ऐसा ही हम इफेक्ट चाहते थे, तो ये ऐसा हो रहा है तो इससे कोई बात नहीं। नीचे की तरफ भी आप थोड़ा रेड दे सकते हैं। इसके बाद ये वाला एरिया
आप जैसे देख सकते हैं कि पहले ही हमने पूरे बैकग्राउंड में एक कलर दिया था, तो इससे ये फायदा होता है कि जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं तो वो पूरे एक सीन में अच्छे से बैठ जाता है। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर हम किसी एरिया को बिल्कुल भी कलर नहीं देते और वाइट रखते, जो कि हम कर सकते हैं, काफ़ी टाइम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर वो आउट ऑफ प्लेस कभी कभी दिखने लगते हैं, और उसको फिर से सीन में लाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से पूरे लेयर में डाल देते हैं। सो थोड़ा ध्यान से हम दे रहे हैं क्योंकि इसको हमें आउटलाइन करना है। ठीक है, तो बोर्ड के बाकी डिटेल हम बनाने लगते हैं। पतला ब्रश लेके हम ब्लू कलर का यूज करके इसके बीच में जो दूसरे डिटेल है उन सबको हम ऐड कर देते हैं। अभी के लिए इतना पार्ट काफी होगा, इसके बाद हम दूसरे पार्ट को करेंगे यहाँ पर जो दूसरे एरिया से उसको। लेकिन इस साइड में क्या होगा कि जो पोर्ट के जो इंटीरियर होंगे वो जो इसमें इंसान है उनके साथ, उनके कलर के साथ थोड़ा मिक्स हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम कुछ स्किन कलर्स या फिर कुछ डार्क टोन से हम अपने जो छोटे छोटे यहाँ पर इंसान हमने बनाए थे उनके कलर को हम देने लगते हैं। आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इनके कलर्स में, आप बस कुछ ऐसे डार्क कलर्स दीजिए क्योंकि ये सन के ऑपोजिट साइड है, इसलिए कलर्स काफी डीप हो जाएंगे। उसके बाद इसके क्लोथ्स के जो कलर है उनको हमें इसमें देना है, तो हम यहाँ पर एक ब्लू का एक टोन मिक्स करके ऐसे इसमें देंगे। उसके बाद थोड़ा सा रेड जो क्रिम्सन लेक कलर है वो ऑलमोस्ट नेचर में दिखाई नहीं देता कभी, लेकिन जब हम ऐसे कोई कपड़े या कुछ और बनाने की कोशिश करते तब हम इस कलर का यूज कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे ड्रेसेस में हमें ये कलर दिख सकते हैं। उसके बाद थोड़े डार्क कलर्स लेके इसके फोल्ड्स वोल्ड्स कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। इंसान जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद दूसरे जो बाकी इंसान है उसको भी हम ऑलमोस्ट सिमिलर कर देंगे। जितना दूर होते जाएगा देखिए उतना ही डिटेल कम होते जाएगा, उसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप सब में सिमिलर डिटेल कर दे तो हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा वो अच्छे से नहीं होगा, जो एटमोस्फेरिक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी पेंटिंग में वो ठीक से नहीं निखर के आएगा, तो वो अच्छे से नहीं होने से हमारा पेंटिंग काफी बेकार दिख सकता है वाटर कलर का, इसलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं।
ये एकदम सन के डायरेक्ट है, इसलिए सारे कलर्स डार्क ही होंगे, ऑलमोस्ट ये एक ब्लैक फिगर जैसा होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़े कलर्स ऐड कर रहे हैं ताकि कुछ तो हमें सजेशंस मिले कि इसकी बॉडी की कलर क्या होगी।
Thank you.